subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो हम दो डेरिवेशन की बात करेंगे, वो हमारी आरहेनियस इक्वेशन और हमारी कोलिजन थ्योरी। इन दोनों के स्टेटमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे और इनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आरहेनियस और कोलिजन थ्योरी आई कहां से, क्यों इनकी लाने की जरूरत पड़ी। तो जैसे हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, माइनस आर ए से रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन ए थी और वो प्रोडक्ट आर बना रही है, ठीक ना, तो इसका अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए, सी और ए कंपोनेंट इसके पावर एन लिख देते हैं, मानते हैं यार एन मोल्स थे हमारे, ठीक ना। तो इसमें क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है, जैसा हम जानते हैं टेम्परेचर और एक कंसेंट्रेशन, दो चीजों की फंक्शन है टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन। अब जो के हमारी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक, और टेम्परेचर का फंक्शन है, इसी को फाइंड करने के लिए हमारी दो थ्योरी दी गई, एक हमारी कोलिजन थ्योरी थी, एक हमारी आरहेनियस थ्योरी थी, ठीक। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम देखें। तो हमारी जो आरहेनियस थ्योरी थी वो क्या बताती है कि कोई भी रिएक्टेंट्स कभी तभी रिएक्ट करते हैं या तभी प्रोडक्ट बनाते हैं जब ये आपस में रिएक्ट करें, और रिएक्ट कैसे करेंगे, जब आपस में कोलाइज करेंगे, मतलब आपस में टकराएंगे, ठीक, तभी कोई चीज रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी ना, जब ये आपस में टकराएंगे, टकरा के टूट के कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इन जो रिएक्टेंट होंगे इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे ये टकराएंगे, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करके हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर बेसिकली इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या बोल सकते हैं वह एनर्जी जो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में सहायता देती है। ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी आरहेनियस इक्वेशन की स्टेटमेंट है। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि कैसे होती है। तो आरहेनियस इक्वेशन जो हमारी थी वो हमारी है, जो आरहेनियस इक्वेशन हमारी थी वो हमारी आई थी के इक्वल टू के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमारी जो है आरहेनियस इक्वेशन है, इसी का हम डेरिवेशन आप देखेंगे कि ये कैसे आती है। तो इसमें जो हमारे टर्म यूज हुए हैं उनको जान लेते क्या क्या है। ये जो हमारी के है वो हमारी रेट कांस्टेंट होती है, जो हमने पीछे बताया रेट कांस्टेंट। और जो हमारी के नॉट होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। और जो हमारी ई है ये हमारी होती है, ई को अभी बाद में जाने के पहले इनको जाने, ये आर मारती है, आर होती है रेट कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 8.31451 हमारी जूल पर मोल केल्विन हमारी होती है, या इसे एक तरीके से लिख सकते हैं 1.987 कैलोरी में जब हम चेंज करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। और टी जो हमारी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक, इसके बारे में बात होगी। अब इसकी डेरिवेशन के बारे में देखते हैं क्या होती है, इसकी डेरिवेशन कैसे। हमारी जो ई थी वहां पर वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी, उसके बारे में अभी हम आगे जान लेंगे क्या है। तो हमारी जैसे हम आरहेनियस का डेरिवेशन देखे थे तो क्या होता है, के इक्वल टू के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये हमारी आरहेनियस की स्टेटमेंट थी जो हमारा फॉर्मूला आया, ठीक ना। अब क्या करें इसका डेरिवेशन करने के लिए, दोनों जो साइड है उनमें लॉग ले लें या एलएन ले लें, एलएन लेने पर बोथ साइड में एलएन ले लें तो क्या होगा, एलएन के इक्वल टू एलएन के नॉट, ये नीचे आ जाएगा यहां माइनस ई अपॉन आर टी और एलएन ई, इतने में तो कोई डाउट नहीं है, तो ई अपॉन आर टी होगा, एलएन लेने से आगे आ जाएगा और सेम टर्म ये यहां होगा एलएन के साथ, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा, एलएन के इक्वल टू एलएन के नॉट माइनस एलएन ई की वैल्यू हमारी वन होती है, जानते हैं हम लोग ई अपॉन आर टी, इसको हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, मान लें हम इसको इक्वेशन दिए वन, ठीक ना। अब हम क्या
एट कॉन्स्टेंट टी वन पे इसकी वैल्यू देखें क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट टी वन पे देखें क्या इसकी वैल्यू होगी, एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन के नॉट माइनस ई अपॉन आर टी वन, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब सेम इसी तरह एट कॉन्स्टेंट टी टू पे ले लें हम, तो एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन के नॉट माइनस ई अपॉन आर टी टू, इक्वेशन थ्री। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम डेरिवेशन करेंगे। अब हम क्या करें, इक्वेशन थ्री माइनस टू कर दें, थ्री माइनस टू इक्वेशन कर दें। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसको घटाए हम एल एन के टू माइनस एल एन के वन इक्वल टू क्या आएगा, एल एन के नॉट माइनस एल एन के नॉट माइनस ई अपॉन आर टी टू, उसके बाद प्लस ई अपॉन आर टी वन, क्योंकि हम निगेटिव कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब हमारी जो है ये टर्म और ये टर्म सेम थी इसलिए कट गई। ठीक, अब क्या करेंगे, एल एन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं डिवाइड में, एल एन के टू अपॉन के वन लिख सकते हैं ना। ठीक, और इसको क्या यहां से हम कॉमन ले लें, ई अपॉन आर माइनस ई अपॉन आर का अगर हम कॉमन लेते तो अंदर क्या बचेगा हमारा, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन, यही हमारा डेरिवेशन है आरहीनियस लॉ का, ये हमारा डेरिवेशन आता है। ठीक है ना, ये हमारी आरहीनियस लॉ है। ठीक, अब हम बात करेंगे कोरिजन थ्योरी क्या होते हैं, तो कोरिजन की थ्योरी क्या थी, ये भी हमारी रेट कॉन्स्टेंट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी उसके बारे में बताई। तो इसने क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट होते हैं वो कोलिजन तो करेंगे, लेकिन कैसे कोलिजन करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। तो जो कोलिजन थ्योरी थी उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एक इफेक्टिव कोलिजन, दूसरा होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक ना, इन दोनों के बेस पे इन्होंने कोलिजन थ्योरी को दिया कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है या रिएक्टेंट वो तो कोलिजन करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन मतलब वह कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट के पास वह एनर्जी हो या वह मिनिमम एनर्जी हो जिससे वो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, वो होती है हमारी इफेक्टिव कोलिजन। और जो नॉन इफेक्टिव कोलिजन थी उसमें क्या बताया गया कि मॉलिक्यूल्स या जो रिएक्टेंट है उनके पास उतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी नहीं है जिससे वो बॉन्ड ब्रेक कर सके। तो कोलिजन ने इन्हीं दो थ्योरी के बेस पर अपना डेरिवेशन दिया कि कैसे कोलिजन होते हैं कैसे कोलिजन नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, अगर आप अभी नए हैं चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर करें। थैंक यू।